हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, हम आज सुबह ही सुबह एकदम 4 बजे उठ गए थे और फटाफट से मैंने ये भोजन बना लिए हैं। आपको बता दें, इस वक्त पितृपक्ष चल रहा है और आज है महिला पितृ नवमी। ये जीवित पुत्री का व्रत के जस्ट दूसरे दिन पड़ता है नवमी। तो इस दिन जो है महिला पितृ के लिए भोजन बनाए जाते हैं, जिसमें कि दाल वाली पूड़ी, चने की दाल वाली पूड़ी और खीर सब्जी हमारे यहाँ यही बनाया जाता है। और लोगों के यहाँ जो रिवाज होगा वो नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ यही बनाया जाता है। तो सुबह के 7 बज गए और खाना हमने बना के सब कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमने अपने व्रत भी नहीं तोड़े हैं। तो अनु के पापा को हमने भोजन पैक करके दे दिए हैं गांव पर। अम्मा जी के लिए ये अपना भोजन करके निकल रहे हैं गांव के लिए। तो जाते जाते यहां से ये भोजन लेते जाते हैं। मैं डेली यहां से खाना बना के डेली गांव पे भेजती हूं। मेरी सासू माँ गाँव पर है तो इनका स्कूल वही बगल में है। तो डेली यहां से ये भोजन लेते जाते हैं और फिर वहां देके अपने स्कूल चले जाते हैं। लौटते वक्त फिर घर से होते हुए आते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त 8:30 बज गया है और खाना वाना खा के हम देखिए तैयार हो गए हैं। तो अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं, चल रहे हैं मम्मी के यहाँ प्रसाद लेकर। मम्मी के यहाँ जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं होता है, तो वहाँ पे मैं चल रही हूँ प्रसाद देने और सबसे मिलकर भी आते हैं। तो दोस्तों, आज ना मौसम थोड़ा दूसरे टाइप का है, यानी पूरी बदरी हुई है और अच्छा लग रहा है मौसम। आज बिल्कुल धूप नहीं है, अभी लग रहा है कि बारिश होगा, लेकिन देखते हैं बारिश होता भी है कि नहीं। कल तो पूजा में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो भाई, हम आ गए हैं मम्मी के यहाँ और मम्मी के यहाँ मुझे आए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है। मैंने मनु को भी खिला लिए हैं और सबसे हालचाल भी हो गया है। इस वक्त मनीषा भाभी को टाइफाइड हो गया है और थोड़ा बहुत डेंगू का असर है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। और मनु की भी तबीयत नहीं ठीक है, मनु को भी बुखार हो रहा है। तो इस वक्त दोनों लोग काफ़ी परेशान हैं। और मम्मी की भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं बीच बीच में आ रही थी मम्मी से हालचाल जानने के लिए। तो आपको बता दें कि आप लोग पूछ रहे थे कि मनीषा भाभी वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। तो मनीषा भाभी का छोटा सा बच्चा है और उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, उनको पढ़ाई भी करना है, घर भी देखना है, तो ये सारे काम उनको अकेले करना होता है। इस वजह से वो वीडियो नहीं बना पाती हैं। और जैसे तैसे करके अगर वो समय निकाल के वीडियो भी बनाती हैं तो वीडियो चलता नहीं है। और जब बहुत मेहनत करने के बाद आपको अर्निंग ना हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। और यही कारण है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मनीषा भाभी को वीडियो से कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। तो इस वजह से अभी उन्होंने अभी थोड़ा समय के लिए रोक रखी हैं। अभी उनको समय मिलेगा तो वो ज़रूर वीडियो बनाएंगी। तो दोस्तों, अनु हमको मम्मी के यहाँ मिल गई थी। अनु का आज प्रैक्टिस था खो खो का, अनु का टूर्नामेंट चल रहा है खो खो। तो अनु को आज ड्रेस भी मिल गया है खो खो के लिए। हाँ, टूर्नामेंट क्लस्टर, अनु करिए क्लस्टर। अब हमको तो टूर्नामेंट ही आता है, हम तो टूर्नामेंट ही खेले हैं ना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर, मिल लिए सबसे हम लोग बढ़िया से। तो दोस्तों, इस वक्त 4:00 बज गए हैं और हम हैं बालकोनी में शाम की चाय के साथ। बता दें, आज 2 बजे से ही बारिश हो रही थी। हम मम्मी के यहाँ से जैसे आए उसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। हम सोचे आज किचन का एक वीडियो शूट करेंगे, कोई अच्छी सी रेसिपी। तो बारिश शुरू हो गई, ऊपर सब चूल्हा वगैरह सब भींग गया, तो फिर हम लगे वीडियो एडिट करके अपलोड करने। तो बहुत ज़्यादा आज कुछ काम नहीं हो पाया। मित्र कह रहे थे कि हम बहुत आलसी हो गए हैं, केवल घर घर में ही रहते हैं। तो बता दे भैया, हम सारी हाउस वाइफ जो कुछ बाहर नहीं कर पाती हैं, उनको अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी निभानी है। तो बताइए वो कहाँ जाएंगी। 4 बजे भोर से लेके रात को 10-11 बजे तक लास्ट तक उनको जो है घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, वो भी बिना सैलरी। अब आप बताइए, अब इसीलिए ना मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए सोच रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो जो मेरे घर के कुछ कामें हैं वो मैं किसी को हायर कर लूँ, उसको वेतन देके, और मैं निकलूँ बाहर, ताकि मुझे जो ज़िंदगी जीनी है मैं थोड़ी वो भी जी लूँ और कुछ बाहर भी वीडियो शूट कर पाऊँ। मेरा तो सारा समय घर में ही ऐसे ही निकल जाता है, मैं बाहर कैसे निकलूँ, मेरी यही समस्या है। मेरा भी बहुत मन करता है बाहर जाने का, चीज़ों को कैप्चर करने का, लोगों से मिलने का, कुछ नई चीज़ सीखने का, कुछ नई जगह देखने का। ज़िंदगी तो हमारी ऐसे ही केवल बस एक क्षेत्र में ही बीत गई है। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर हम भी रखेंगे एक नौकर। जिस काम का हमको वेतन नहीं मिलता है उसी काम का हम वेतन देंगे और हम जिएंगे अपनी ज़िंदगी। तो फिलहाल आप लोग अपने सुझाव विचार जरूर लिखिएगा। अब आज का ब्लॉग बस इतना ही, ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि फिर मुझे एडिट करने में भी दिक्कत होगी।
मिलते हैं, बाय।